कहाँ पे आई अभी तू? हाटल में नहीं, हम लोग आए हैं अलबैक में। उसमें को क्या खाने का है? फ्रेंच फ्राइज और चिकन पॉपकॉर्न। जोर से बोलना, सुनने नहीं। फ्रेंच फ्राइज और चिकन पॉपकॉर्न। फ्रेंच फ्राइज और चिकन पॉपकॉर्न खाने का? स्टिक्स की चिकन पॉपकॉर्न। देखे मैंने बोली है, तो हम लोग को कुछ भी नहीं खाने का है, क्योंकि हम लोग का जो है ना पेट भरने के लिए घर पे बहुत सारी चीज है। अल्लाह की मतलब ना रहमत बरकत खाने में आज बहुत है माशाल्लाह घर पे। लेकिन उज़्मा की आज छुट्टी थी और आज उसको ऐसा कुछ भी हमने वो नहीं कराया कि उसको ऐसा लगे कि छुट्टी है। तो उसको जो चीज़ अच्छी लगती है खाने में, तो हम लोग ने सोचा चलो उसको यहाँ लेके आके खिला देते हैं। तो हम लोग वेटिंग में है। केचप डालो इसमें, केचप डालो तुम्हारे लिए, केचप के लिए कहाँ डालू? मैं केचप इधर साइड में डाल देती है ना तुम्हारे लिए। तुमको पता नहीं था ना बर्गर के ऊपर तुम्हारा मुंह दिख रहा है। हमारा पॉपकॉर्न नहीं आया अभी तक और चिकन स्ट्रिप भी नहीं आई। आ गया, आ गया, आ गया। चिकन स्ट्रिप आ गई। हाँ पॉपकॉर्न आएगा ना। पॉपकॉर्न आएगा, पॉपकॉर्न आएगा। ये चिकन स्ट्रिप गरम गरम। हाँ बर्गर तो खाएगी ना, बर्गर खाएगी तो खाना खाना मिलेगा। तो घर पे जाके खाना खिलाना पड़ेगा। बंद कर दो। लोग बोले तो कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। अरे खाओ, कुछ नहीं होता, आप देखेंगे बाद में। वो अभी आए हैं बच्ची के लिए एंजॉय करने, तो खाली बच्ची को खिला के थोड़ी ना जाएंगे। और वो हम लोग को इतने टाइम तक के बैठने थोड़ी ना देगा, बोलेगा दो ऑर्डर दिए ले और इतने टाइम तक के बैठ रहे। समझ में आ रहा है? तो इससे अच्छा रहें तो खाएंगे अपन भी, एंजॉय करो। ज्यादा नहीं मिलेगा ना यहां पे लगा तेरा हर जा के सीधा दवाई पी ले तो आप क्या उसमें? हाँ वो तो अच्छे से तो खा, ऐसे खाती है तो। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं थोड़ी स्किन की। तो स्किन की जब बात आती है तो हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन एकदम ग्लोइंग हो, क्लियर हो और मतलब एकदम ग्लास लाइक स्किन हो। और अगर ग्लास स्किन की बात आती है, क्लियर स्किन की बात आती है, तो सबसे पहले जहन में हमारे कोरियन मॉडल्स आते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है इतनी क्लियर, इतनी ग्लोइंग होती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो हमेशा रेगुलर ट्रीटमेंट लेते होंगे हमारे उनकी खुद की स्किन के लिए। सो वो क्लियर ग्लास स्किन कैसे अचीव करते हैं? तो उसका एक बेसिक इंग्रेडिएंट है जो कि है राइस। राइस
साउथ ईस्ट एशिया में जनरेशन से यूज होता आ रहा है ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन के लिए। मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ जो हमारी स्किन को ग्लास लाइक क्लियर स्किन बनाने में हेल्प करेगा। तो वो है ममा अर्थ का फेस वॉश, राइस फेस वॉश विथ राइस वाटर एंड नाइसिनमाइड। साथ ही साथ है ममा अर्थ का राइस डे क्रीम, राइस वाटर प्लस नाइसिनमाइड। राइस फेस वॉश जेंटली क्लींस द स्किन, हाइड्रेट द स्किन, ब्राइटन स्किन टोन, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये मेड सेफ सर्टिफाइड है। इसमें किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल नहीं है। राइस वाटर है इसके अंदर जो हमारी स्किन को क्लैरिफाइड द स्किन एंड स्टिमुलेट कोलाजन प्रोडक्शन, और ये हमारी स्किन को ग्लास लाइक स्किन बनाने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ इसमें नाइसिनमाइड है जो हेल्प करेगा हमारी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में और हमारे जो ओपन पोर्स है उसको मिनिमाइज करेगा और हमारी स्किन को हेल्दियर और फ्रेश रखेगा। ये राइस डे क्रीम है, इसके अंदर राइस वाटर एंड नाइसिनमाइड है। तो ये टू स्टेप स्किन रेजिम है जो कि हमारे ग्लास लाइक स्किन अचीव करने में हेल्प करेंगे। अगर हम ये दोनों प्रोडक्ट साथ में यूज़ करेंगे तो जल्दी असर दिखेगा। तो इसे अप्लाई करना भी बहुत इजी है। नॉर्मली जैसे हम फेस को गीला करके थोड़ी सी क्वांटिटी हमारे हाथ में लेना है और इसे अप्लाई करना और अच्छी तरीके से फेस को क्लीन करना है। और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी लगी मुझे, एकदम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, एकदम अच्छी है, माइल्ड है। तो बस इसको इससे फेस वॉश करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं आप मेरा फेस कितना फ्रेश फील हो रहा है। बस अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी डे क्रीम। तो डे क्रीम की भी स्मॉल क्वांटिटी हमें हमारे फिंगर टिप पे लेना है और अच्छी तरीके से सर्कुलर मोशन में हमारे स्किन पे हमें अप्लाई करना है जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होता। ये ऑयल फ्री है डे क्रीम। तो ये प्रोडक्ट के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये अमेजॉन, नायका एंड ममा अर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पे भी अवेलेबल है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे NAZ2022 तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम ममा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। बाय 2025 ममा अर्थ इज अमेंग टू प्लांट 1 million ट्री एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। ममा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव भी है। दे नाउ रिसाइकल ओवर 240 empty प्लास्टिक एवरी मंथ। 1 empty इज इक्वल टू 1000 kgs। तो ये प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। क्या करके गए रे तेरे अब्बा जो? कैसी दवा है इसका ढक्कन इतना भयंकर है? उसका काई की दवा है वो? टॉन्सिल की। मेरी बेटी माशाल्लाह इतनी अच्छी बच्ची है ना, मेरी के दवा के लिए रोती भी नहीं है और दवा पिलाओ बोल के बोलती भी नहीं है। खुद ही लेती है, खुद ही याद दिलाती है। पहले तो स्टार्टिंग में याद दिला रही थी, अब उसको समझ में आ गया कि कितना लेने का और कितना पीने का है। खुद ही निकाल के पीते, गिरना नीचे। बताओ। हाँ बराबर। ये देखो ये दवा पीती है मेरी बेटी खुद से। अच्छा रुको, पहले ढक्कन को धोना पड़ेगा लगाने से पहले। मैंने बोली थी शाम में, मैंने दवा पिलाई और मैंने उसको बोली कि बेटा ना ये ढक्कन का ना हिला के ना पी लो। अब हिला के पी लो का मतलब था मुंह में हिला लो, तो झटक के पी लो बोली थी मैंने। मुंह में झटको बोली तो इनने कैसे झटकी थी उसमें बता, कैसे झटकी थी? अबे ये क्या कर रही है तू? अबे नीचे वापस तूने झटकी, देखो बाबू कपड़े से जरा पोछ। मीठा चिकट चिकट होगा उसमें, मत कर ऐसा। नहीं बस दवा जितनी पीनी चाहिए उतनी पी लिए, तुम नाटक नहीं करना। और ऐसा मत समझना कि ये मेरे पीठ के पीछे दवा पीती है, मेरी नजर हमेशा रहती है क्योंकि मेरे को मेरी बच्ची की माशाल्लाह से बहुत फिकर है, बिकॉज़ आई लव हर और वो मेरी जिम्मेदारी है। अभी मार खा जाएगी। चल ढक्कन दे। बस कितना एमएल डॉक्टर ने पीने बोले ये दवा उसमें? कितना एमएल? कितना एमएल पीने बोले? ये 2 ml वाली नहीं है, 7 ml वाली है। 7? नहीं बस सर, 7 ml तुमने पी लिया आजमा, 7 ml तुमने पी लिया बस। कैसे? अभी चलो सोने का नींद आ रही है, एक तो कपड़े लगे हुए थे धोने के। अरे पानी तो हाँ देती, रुक जा। और ये देखो ये हमारा घर है, बिस्तर डालने के लिए घर की हालत ऐसी होती है, जब सारे तकिए बिस्तर। 2 मिनट लेट मी टॉक।
तो यहाँ पे ना बिस्तर यहाँ रख देना पड़ता, मशीन लगी होंगी कपड़े धोने के लिए, तो बिस्तर यहाँ पे डालना पड़ता हमारे को और धुले हुए कपड़े ऐसे कुर्सियों पे डालने पड़ते हमको। फिर उसके बाद घर में इतनी जगह बचती है आप लोग देखते हैं, उसके बाद ये बिस्तर अभी अलग जाएगा यहाँ तक के, फिर देखने के लिए कुछ नहीं बचता आप लोग को, ठीक है। तो ऐसा है, पानी पीने को। तो यहाँ हमारे घर के बाहुबली बिस्तर डाल रहे हैं, ये हमारे बाहुबली 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 नहीं आया, पार्टी मिल दे ले। क्या ये मेरा बियर पार्टी मिल दे ले, ये बाहुबली ने खाओ गली है। जहाँ भी अगर मैंने इनको खाओ गली क्यों बोला पता है, ये अगर घर में भी रहेंगे ना अगर 4 घंटा तो मुझे ना सुकून से जीने नहीं देते। अच्छा। हाँ क्या बोलते पता है, बना के दे खाने के लिए नहीं, खाना अल्हम्दुलिल्लाह घर में रहता है, अबे ये खा ले हो गया। हाँ अरे रुको ना मैं काम कर रही हूँ, आएंगे फिर 5 मिनट घूम के, वो खाई क्या नहीं, अच्छा सुन ये खा ले। क्या बोलो अभी, क्या 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 बोलो अभी, मतलब क्या है, मतलब एक टाइम खाना खाएगी शायद मुश्किल, शाम को भी 4-5 बजे के बस खाना खाती है बस। और अगर बाहर चले जाओ ना इनके साथ कोई इमरजेंसी काम के लिए, मतलब कोई अर्जेंट काम के लिए अगर गलती से बाहर निकल गई ना मैं, तो काम होने से पहले 3-4 बार पूछ लेते, पानी पूरी खाएगी, वड़ा पाव खाएगी, गरम गरम है देख, दिमाग शांत रहेगा इसलिए बोलते रहे खाते रहे खाते रहे। क्या क्या क्या, तेरा पेट भरा रहेगा ना, हाँ मैं जल्दी खाना खाती नहीं हूँ और अगर मैं ज्यादा टाइम तक के भूखी रहती हूँ ना, या तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा जोर के दर्द होगा और लीवर के आस पास सूजन आ जाती है, या तो फिर मुझे वापिस बोलो या तो फिर मुझे ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दुखता है, गैस वगैरह हो जाती है ना भूखे रहने की वजह से, तो ऐसा है, तो मेरे को एक ये शिकायत है ज़्यादा भूखा रहने से, लेकिन मेरे को ही मस्ती है, मेरे को भूख लगती भी है तो खाना खाने का मन नहीं करता, तो ऐसा है। और ये देखो ये है ना, हमने वहाँ से नहीं खा पाए थे, पेट भर गया था बोल के मैंने पार्सल करवा ली थी और उसमें को खाना था बट लेट हो रहा था तो मैंने पार्सल करवा दी थी, तो अभी उसको खाना है, अभी यहाँ ज़मीन पर तो जगह नहीं है, रुक ना ज़रा अब्बा को बिस्तर डाल लेने दे, इधर पर बैठ के खा जाए, ठीक है, ले बैठ बाबू, जरा आराम से डालना, उठा 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 उठा, हाँ रुको मैं जरा पलंग पे खड़े रह के आप लोगों को बताओ कि बिस्तर पे क्यों खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं है हम लोग को कुछ खाने पीने, तो कभी हम लोग ऐसे दिखे भी ना अगर आप लोगों को पलंग पे खाते हुए तो ज़्यादा माइंड मत करना, है ना बाबू, क्योंकि ये मजबूरी है, शौक नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ए ले बेटा मैं थोड़े से केचप दे देती तेरे को साइड में, बस ज़्यादा मत पियो। अच्छा हाँ वो ठंडा नहीं है, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्ची को तबीयत खराब है टॉन्सिल वगैरह की दवा पी रही है तो आप उसको ठंडा पिला रहे होंगे, तो जी मैंने उसको ठंडा पीने दिया ही नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर है वो, चल बैठ उसको, क्या हमने बाहर रखे थे लाते के साथ ही, हाँ तो ऐसा है, ठीक तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। केचप तो है ही नहीं रोजमा, केचप तो खत्म हो गया, ला दे मैं निकल के देता हूँ उसमें से, निकलेगा दबाएंगे तो जोर लगाएंगे तो निकलेगा, हेलो पूरा ही मत खत्म कर देना अगर है तो, तो इसको इस तरह से निकाला जाता है क्या, कोलगेट निकालने वाले बेलन दू बेलन, बस बस क्या केचप निकाल के देंगे सॉसर में, देखेंगी तो बोलेंगे ना बस करके, ज्यादा मत निकालना क्योंकि मेरे को मालूम है वो एक आध पीस खाएंगी, ज्यादा नहीं खाएंगी, और बस बस हाँ बस बस उसका पेट भरा हुआ है बस, खाली वो बस एक शौक है ना वो कर रही है वो, बस जा जाके आराम से खा ले, तू हैप्पी है ना उसको आज, कितना हैप्पी है जरा बता मुझे, बहुत कितना 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 एकदम ज्यादा, हाँ इसको ना मेरी बच्ची को ना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए खुश होने के लिए, बस उसको यही एक अलबैग में लेके चले जाओ और कुछ फ्रेंच फ्राइज और कुछ पॉपकॉर्न दे दो, वह खुश हो जाती है, पहले उसको पॉपकॉर्न हम लोग KFC का खिलाते थे, जब से हमने अलबैग देखा है तो वो इसमें ही नहीं पड़ जाती है, तो ऐसा है, छुट्टी वसूल हो गई, हाँ माशाल्लाह से उसकी छुट्टी वसूल हो गई, मैं तो डर गई थी क्यों तो क्या हुआ पता, वो है ना शाम में सो गई, दोपहर में नानी की तरफ से आई, पढ़ाई वढ़ाई की, होमवर्क वोमवर्क की और उसके बाद वो सो गई, और ट्यूशन की छुट्टी के टाइम हो गया, ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था लेकिन फिर भी उठी नहीं, 6:30-7 बजे उठी तो बोलती है अब चलो कहीं घूमने के लिए,
अब घूमने के लिए चलो तो बोली, लेकिन बर्तन इतने पैसे को लेके क्या पैसे को लेके मसले चल रहे थे, मच चल रही थी। अरे कभी कभी बजट ऊपर नीचे देखना पड़ता है अपने को, बजट के ऊपर जा रहा था कुछ चीज। अभी क्या ही कहूँ मैं आप लोगों को, निकलो तो। अरे हाँ ना यार, मतलब क्या है, मतलब मैं किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी किस बारे में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आप लोग समझो, मतलब मेरे लिए ना पैसा वहाँ लगाना मेरे को ठीक लगता है जहाँ से हम लोग इंजॉय कर रहे थे। देखो अभी भी हम लोग ने पैसा लगा के आए, ठीक है, पैसा अभी हम लोग ने लगाया जिसको मैं हम लोग इंजॉय किए, मेरी बेटी खुश हुई। अरे तेज हो रहे हो। नहीं, और ना मैं आप लोग को भी पता है कि मैं गाड़ी में कितना घूमती हूँ, इतना ज्यादा मैं कार में नहीं घूमती हूँ, और जब भी मैं कदम बाहर निकालती हूँ ना तो उसके अंदर पेट्रोल और सीएनजी का खर्चा सुन के मेरा दिमाग फटता है। चलो मैंने बहुत ज्यादा पैसा बताया, मैंने बोला 2000 बात 200 की थी नहीं, मैं हम लोग जाने वाले थे माहिम, माहिम का टाइम निकल गया तो मैंने जस्ट बोली चलो कुछ नहीं तो बच्ची का वीक ऑफ जो भी उसका खराब हो रहा है तो अपुन है ना मारवे जाके टाइम पास करके आते हैं। अब वो तो हम लोग उससे भी जाते हैं, बाइक से भी जाते हैं। अब बाइक से जाते हैं तब तो कोई खर्चा नहीं आता, तब तो चला लेते हैं। लेट बी क्लियर, उस वक्त इज्जत कार में जाने की। अब दोनों कार में, अभी व्हाइट कार के लिए अभी नई ताजा खरीदे, उसके अंदर पेट्रोल सीएनजी डालने के लिए पहने सामने से बोली ये लो डाल दो, इन्हों जैसे मांगे वैसा। उसके पहले कार में भी, लाल कार में भी ऐसी, जब मैं निकली थी आज से 1.5 महीना पहले निकली थी, क्या 1 महीना पहले निकली हंस रही है, मुझे समझ आ रहा है कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़, नहीं बोलो बोलो ना क्या गड़बड़ है। मैंने लास्ट तब डाली थी, जब मैं घर से बाहर निकली थी, जब मैं घर से बाहर निकल रही हूँ तो मैं अगर पेट्रोल सीएनजी डाल रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एकदम उसको जीरो करके घर पे आ रही हूँ, ऐसा नहीं है ना, मैं डाल रही हूँ ना, तो अगर टाइम पास करने के लिए निकल रही हूँ तो उसमें 200 रुपया खर्चा करूँ अभी मारवे जाने के लिए, तो मैं कहाँ गलत हूँ आप लोग बताओ। मारवे जाने के लिए अगर मैं 200 रुपये का सीएनजी पेट्रोल डाल रही हूँ, मतलब सीएनजी डाल रही हूँ 200 रुपये, तो सच्चा मैं रिक्शा से जाके आ जाऊँ, रिक्शा से जाके आ जाऊंगी मैं 200 रुपये में। लॉजिक वाली बात रहने दो। हाँ नहीं तो मैंने कैंसिल कर दिया, मारवे कम से कम तेरा जाएगा जो भी है, तो फिर मारवे से तो अच्छा, मारवे जाने के लिए अगर 200 रुपए डाल रही हूँ मैं, उपलब्ध है सुविधा, लेट मी क्लियर, अगर मैं मारवे जाने के लिए 200 रुपए डाल रही हूँ तो मारवे में ऐसा कुछ है नहीं देखने जैसा, तो मैं फिजूल अपने 200 रुपए क्यों बर्बाद करूँ। हाँ अगर मैं माहिम की दरगाह जा रही हूँ, कहीं बड़ा दूर जा रही हूँ, लेट मी क्लियर बोल तो रही हूँ ना, बाइक में जाने का था, फ्री में जाने का, बिना पैसे जाने का था, बाइक में जाना होता तो मैं बाइक में चली गई होती, गई क्या नहीं गई ना, तो मारवे टाइम पास के लिए जा रहे थे, और टाइम पास के लिए मतलब 200 रुपये मारवे, मारवे में कुछ भी नहीं, आपने 10 बार देखा, मैंने दिखाया आप लोगों को, हम लोग के लिए वो कुछ नहीं रहा। हाँ अगर कोई कोई अच्छी जगह पे लेके जाने के लिए बोलते थे ना 500, 600, 700, 800 रुपये, 1000 रुपये का डाल दे, मैं डालती हूँ, इस बात की गवाही भी यही देंगे। क्या हुआ, मैं डालता हूँ, मैं झूठे आदमी एक नंबर के, अब क्या हुआ अभी बोलो ना, एक नंबर के झूठे ही है, मैं डालता हूँ, कोई नहीं डालते, वो गाड़ी का जो भी पेट्रोल सीएनजी है ना ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से ही होता है, जब भी होता है अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह ने इस काबिल बनाया, तो वो मेरा ही भार है, तो मैं करती हूँ। देखो अभी वो 200 रुपये नहीं खर्चा की, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 400-500 रुपये हम लोगों ने डाल के आया ना अभी होटल में, क्योंकि यहाँ मजा आया, इंजॉय किया हमने, वो भी खुश हुए, लेकिन मारवे जाने के लिए 200 रुपये मेरे को अननेसेसरी लग रहा था। आप लोग बताइए मैं कहाँ गलत हूँ, समझे क्या, ऐसी ये तो कुछ लोचा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ। अननेसेसरी वहाँ 200 रुपये डालना ठीक था, या यहाँ पे पूरी फैमिली खुश हुई, अच्छा लगा, मैंने 400, 450 जो भी है खर्चा किया, अच्छा लगा मुझे, लेकिन मारवे के लिए वो 200 रुपये मेरे लिए फिजूल था, इसलिए मुझे गुस्सा आया। हाँ वही चीज़ अगर तुम मुझे 4 बजे निकलते घर से बोलते चल मैं तेरे को कुछ थोड़ा दूर पे लेके जाता हूँ और इतने का डाल दे, तो मैं फुल करती हूँ, हर टाइम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कौन सी किरकिरी चल रही थी। अब किरकिरी ठंडी हो गई 15 मिनट में, लेकिन टाइम निकल लिया, टाइम बच गया 7:15, तो फिर मेरे को लगा ऐसा कि छोड़ यार अभी क्या कहा, कहीं जाने का भी बर्तन धोने का टाइम आ गया। एक दिन पता है मेरे टीचर ने मेरे को बचा लिया ट्यूशन टीचर ने। क्या? एक दिन मेरे ट्यूशन टीचर ने मेरे को बचा लिया। कैसे? एक दिन मैं ट्यूशन में थी, पढ़ रही थी, और मच्छर की मिरर पे इतना खून पी लिया, फिर टीचर ने मार दिया उसको, तो ट्यूशन टीचर ने तेरे को बचा दिया, थैंक यू ट्यूशन टीचर। फिर मैं पतली हो गई थी, मच्छर ने खून पिया तो थोड़ी पतली हो गई थी, वो मच्छर खून पिया था तो
तो सुन लिए, हम लोग की ऐसी नोकझोंक होती रहती है यार, हम लोग का तो चलते ही रहता है। देखो आज किरकिरी हुई और आज चल, हम लोग निपट गए। तो ऐसे हम लोग ऐसी है, ये देखो थोड़ा देखो इनका, निपटे के नहीं निपटे। तो फिर बर्तन धोने लग गए 8 बजे, बर्तन 8 बजे बर्तन धोने खड़ी हुई थी, आधा घंटा पूरा लगा बर्तन धोने के लिए। और बस फिर उसके बाद खा पी के आ गए, अभी पार्सल भी लेके आ गए, वो थोड़ा खा रही है। अरे ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग सो जाएंगे, थोड़ा आराम करूंगी मैं, थोड़ा काम करूंगी। मेरे को एक वीडियो बनाने का था लेकिन मेरे को आज टाइम नहीं मिला, और अपना घर इतना बड़ा भी नहीं है कि कोई कमरे में लोग को बोलो कि भाई जाके तुम लोग सो जाओ और मैं अभी बेडरूम में जाके काम करती हूँ। पहले तो रूम में लोग को सोने बोल देती थी मैं कि तुम लोग सो जाओ और मैं अपना काम करती रहती थी। है बाबू वो घर में तुम लोग सो भी जाते थे तो मैं मेरी शूटिंग पे रहती थी ना, मेरे अगर प्रमोशनल वीडियो है ना तो मैं अपनी शूटिंग के काम करती ही रहती थी। बट यहाँ पे तो चाहकर भी अगर मुझे नींद नहीं भी आ रही है तो मैं शूटिंग के काम नहीं कर पाती हूँ। ये देखो टडांग, ये देखो टडांग, देख रहो, ये देखो टडांग, कितनी लादी है, कितनी लादी है, 1 2 3 तीन फुट की लादी बची है, समझे। ये टडांग चलता है हम लोग के घर में, टडांग। तो इस वजह से बहुत सारे काम रुक जाते हैं मेरे। तो आज आप लोगों को आपके भाईजान की आप बीती कैसी लगी सुन के, आपके भाईजान कितने पीड़ित है, हाँ आप लोग कमेंट करके बताना मेरा डिसीजन सही था कि गलत था। 200 रुपये पेट्रोल में CNG का बचा कर सिर्फ मारवे के लिए मैंने यहाँ पे हम लोग ने होटल में एंजॉय किया। तो आप लोग बताना मैं कहाँ सही थी या आपके भाईजान सही थे या जो भी है सही गलत, हम दोनों को अपनों दोनों में कॉम्पिटिशन नहीं करना है। आप लोग सिर्फ इतना बताइए कि मैं सही थी या गलत थी, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज तो करेंगे अभी सब लोग, क्या उसमें भी पैसा लगता है। बाय बाय बाय, आओ खाने के लिए पॉपकॉर्न, खाओ खाओ खाओ, बिस्मिल्लाह। उसमें को ना ये सारी चीजें ना बहुत पसंद है माशाल्लाह से, इसलिए ना मैं उधर ही इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ जहाँ वो खुशी से इंजॉय करे। अब मारवे लेके जाती तो वो खुश होती थी पता है काय में, सिर्फ वो 20 रुपए के झूले में है बाबू। मारवे में उसको क्या अच्छा लगता है, क्या करती है, कुछ खाती है वहाँ, झूला कुछ खाती है वहाँ, समंदर खेलने लायक है, रेत में कुछ खेलने लायक है वहाँ पे, सब जोड़ियों में बैठे रहते हैं या तो कुछ दोस्त लोग बैठे रहते हैं अपना इंजॉय करते हुए, तो बच्चा कहाँ इंजॉय करेगा। ज्यादा से ज्यादा वो झूला 20 रुपए वाला झूल लेती है और आ जाती है, लेकिन यहाँ उसने एंजॉय किया। हाँ बाबू रुजो, तुमको मारवे में झूला झूल के ज्यादा मजा आता था कि ये होटल में ज्यादा मजा है। होटल में। पक्का बोलो। पक्का। सच्ची? सच्ची। ओके। चलो खाओ खाओ। चलो फिर अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।